हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं आप सब तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी तो पूरी वाट लगी पड़ी है क्योंकि मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है, मेरा चैन भी खो गया है। अब मैं बहुत ज़्यादा थकी पड़ी हूँ। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि बाबू होने के बाद मेरे रूम की क्या हालत होती है। मतलब मैं सुबह होने के बाद अपना पूरा रूम इतने अच्छे से साफ करती थी, इतना अच्छा डेकोरेट रखती थी, सब कुछ बढ़िया करके रखती थी। मतलब चीज़ें फैली रहती है ना, तो मुझको पता नहीं, मतलब थोड़ी दिक्कत है या क्या है, अगर रूम फैला हुआ है कुछ है ना, तो मुझे नींद नहीं आएगी जल्दी। मुझे चाहिए कि प्रॉपर मेरी चीज़ें सब अपनी अपनी जगह पर हों, और बाबू के आने के बाद कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं रह रही है। जैसा कि मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरे रूम की क्या हालत हो जाती है। अभी तो फिलहाल मैंने थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर दिया था, लेकिन बहुत बुरी हालत हो जा रही है। समझ नहीं आ रहा कैसे करूं, क्या करूं, कब तक। अब तो जैसे जैसे ये थोड़ा चलने फिरने लगेगा, खिलौनों से खेलने लगेगा, और फैलेगा, और बुरी हालत होने वाली है। बट हाँ, क्या करा जाए, यही है। मैं दिखाती हूँ आपको, है ना। तो ये देखिए, ये सब मैंने रात के लिए इनकी इकट्ठा कर लिया है। ये इसकी नैपीज हैं बहुत सारी, और अभी तो बहुत सारी हैं, अभी और निकाल के रखूँगी बेड के पास। पूरा पूरा सोफ़ा भरा पड़ा है कपड़ों से। ये बाबू का कमाल है, ये इन्होंने सूसू करें और फिर मैंने हाथ वाथ पोछे, सूसू करे सारे कपड़े, डबल ट्रिपल लेयर वाले हैं, इतने बड़े बड़े हैं, सब यूज्ड हैं। अब ये सारे सुबह धुलेंगे, फिर से रात में यूज़ होएंगे, फिर धुलेंगे। इनका यही काम रह गया है कपड़ों का। क्या करें, थक जा रहे हैं करते करते। एक एक घंटे में पाँच पाँच छः छः बार सूसू कर लेता है, चेंज करो तुरंत, चेंज करो तुरंत, ऐसी हालत हो रही है। और फिर भी सारा जो मतलब क्रेडिट होता है वो फादर को लोग दे देते हैं, माँ की हालत नहीं देखते क्या हो जाती है। वो लोग तो अपना निकल लिए अपने अपने कामों पे, आप देखो क्या हालत हो रही है, बहुत बुरी हालत हो रही है फिलहाल तो। अभी एक कमेंट आया था कि मैम आप पहले जैसी नहीं दिख रही हैं, आपकी आपका फेस कैसा हो गया है, आप पहले जैसे सुंदर नहीं दिख रही हैं, ऐसे भी कमेंट आया था, आपकी खूबसूरती को क्या हुआ। दो दिन बच्चों ने ऐसे कमेंट्स किए हैं। अब बताओ, रात में सो नहीं पाते, दिन में लेट नहीं पाते, पूरे दिन गोद में लिए रहो, कपड़े चेंज करते रहो, और फिर खाना ना खा पाओ, बिल्कुल आराम ना कर पाओ, उसके बाद हालत कैसी होएगी। ओ भैया, मेरी तो बहुत ही बुरी हालत हो रही है। बाकियों का पता नहीं कैसे हो, कैसे करते हैं सब लोग, जुड़वा बच्चे हो, अरे बाप रे कैसे। तो देखते हैं।